गाइस मेरी ना क्या नाम है, वैन में एक बच्ची जाती है, दरक्षा नाम है उसका, उसकी बेस्ट फ्रेंड की वो फ्रेंड थी वो बच्ची जिसके साथ ही सारा कुछ हुआ है। फर्स्ट ईयर की थी, स्टैट्स की थी, और बकौल दरक्षा के वो कह रही है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसको बताया है कि वो नहीं रही इस दुनिया में। सुबह उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो उस बच्ची जो थी जिसके साथ सब कुछ हुआ, उसकी जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने अब अनाउंसमेंट की है कि वो नहीं रही। प्रिंसिपल की कॉल आई है मुझे, प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना, मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी, ये इन्हें लगता है। ये प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस, ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। अब अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं हैं, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं जी, आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? आप जो अपने कैंपस, ऐसा नहीं हुआ, आप मुझे उसके लिए कसम दिलवा रहे हैं, कोई चीज नहीं ऐसा, बताएं क्या मतलब, किसी की कंप्लेंट है, किसने कहा? अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो, अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो, सच्ची है, बेटा नहीं ऐसा, उनको पता ही नहीं, किसी को उनको ये भी नहीं पता था, उन बच्चों उनको ये भी नहीं पता था कि ये है क्या मामला। बेटे मेरी बात सुनिए, देखिए मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, ठीक है ना, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ। ये तो एक शर्मनाक अफसोस।